हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित भाजी। और आज थर्ड डे गोवा में, और शालू भी है साथ में। और आज मैं अपना गॉगल्स भूल चुका हूँ, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा नज़र का चश्मा, उससे मैं काम करूँगा। और आज हम आए हैं, एक बोट ट्रिप है जिसमें 5-6 जगह हैं, वो दिखाएंगे। डॉल्फिन वगैरह का कुछ है, अभी पता नहीं है, देखते हैं क्या क्या है, तो उसी के लिए जा रहे हैं अभी हम। तो आगे दिखाता हूँ आपको। तो यस, हम अभी बोट पे बैठ चुके हैं और बोट की ट्रिप शुरू होने वाली है। पीछे मनीष भाई और राणा भाई बैठे हैं। तो हम गोवा में बैठे हैं बोट में, और हमने यहाँ भी अपने पहाड़ी गाने बजा दिए, मजा आ रहे हैं। और अभी बोट चल चुकी है, अब देखते हैं कब स्पीड पकड़ेगी या इसी स्पीड में चलेगी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये नाइट क्लब है बता रहे हैं गोवा का, बहुत बड़ा, बट कोविड की वजह से एज यूजुअल सब बंद है। और बहुत जबरदस्त लग रहा है व्यू यहाँ का। ये सारे प्राइवेट विलाज हैं, जो बिल्कुल ये जो बोट जहाँ पे चल रही है हमारी, इसके बगल में है, सारे प्राइवेट विलाज हैं। ये देखिए, वाह, ये देख रहे हैं, ये बंगला जो है पूरा, ये अभी विराट कोहली का है, जो भैया बता रहे हैं। पहले जैकी श्रॉफ का था, अभी ये विराट कोहली ने खरीद लिया है प्राइवेट अपना, अभी विराट कोहली का, पहले जैकी श्रॉफ का। सो गाइज, हम लोग हैं अभी पंजिम, गोवा की जो कैपिटल है, और यहीं पे अजय देवगन जी ने पाव भाजी खाई थी, मूवी देखी थी दृश्यम मूवी में। और हमारे जो भैया हैं, जो हमको कैब से लेकर आए हैं यहाँ पे, वो हमें पूरा मार्केट के अंदर लेकर आए हैं, ताकि हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। और बहुत 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 मज़ा आ रहा है हमें। हेलो दोस्तों, तो अभी अभी हम आए हैं KFC की तरफ, और थोड़ा पेट पूजा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ कुछ बचा है। वैसे सब कुछ घूम ही लिया, अब थक भी गए, सोच रहे सीधा होटल ही जाएं, रूम पर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम सबका लंच आ गया है, साथ में ये स्प्राइट मिली है, क्रशर्स नहीं है यहाँ पे। और बहुत 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 गर्मी हो रही है, और हम लोगों ने मंगाया है ये सब चिकन, KFC का चिकन, और इसे फटाफट से खाते हैं, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट मील आ गया है, और हम बीच साइड पे हैं, शाम का बीच साइड पे हैं। ये चिकन आ गया है, और माय फेवरेट, मैं तो किनारे साइड पे हूं, ये किनारे साइड पे। और ये विधायक जी भी हमारे साथ एक चिकन खाते हुए। एक्चुअली हमारा पूरा जो ट्रिप है ना, ये इन्होंने स्पॉन्सर्ड करा है, बहुत है, तो हमें इसीलिए ज्यादा मजे आ रहे हैं। अगर हम अपने पैसों से आते तो हमें इतने मजे आते नहीं, ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे बड़े मजे आते हैं। ये देखो, सबसे ज्यादा मजे तो इन्हीं के आ रहे हैं, ये देखो भाई, मजेदार। सो फाइनली मेरा क्रैब आ गया है, मैं पिछले इससे पहले भी आई थी 2-3 बार तो, बट मुझे ये ऑफिस वालों की तरफ से आई थी, तो मुझे वो उन्होंने खाने नहीं दिया था, बट मैं अपनी तरफ से आज मैंने बहुत कोशिश करी और मैं इसे खा रही हूँ। और मेरी विश लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मरने से पहले करनी है, टू डू लिस्ट जिसे कहते हैं, उसमें से एक ये है, और आज बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी, क्या है ये? ये है क्रैब, और मुझे पूरा क्रैब खत्म हो गया, और जिसे मैंने अभी एक ही पीस भी खाया, मुझे समझ आ ही नहीं रहा कि इसे खाना कैसे। ये जो इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा है, वो मैं खाने पे लगी, और इसका मसाला बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत अच्छा है, तो मैं खाती हूँ इसे, और मुझे डिस्टर्ब ना करें। हाँ जी, तो ये लोग तो खा रहे हैं क्रैब, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मैं नहीं खा सकता। तो हमने तंदूरी चिकन मंगाया था, और मैं ये पीरम वर्जिन मोहितो, और कल दिन में हमारी फ्लाइट है, कल हम वापसी दिल्ली, और बाकी का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी सो जाइए, मैं भी सोता हूँ, बाकी मिलते हैं कल सुबह फ्लाइट एयरपोर्ट के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो अब गोवा ट्रिप हुआ ख़त्म हमारा, और अब हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, और वापसी दिल्ली की तरफ। और बहुत मज़ा आया, ये 2-3 दिन गोवा में घूमे फिरे, खाया पिया खाया और कोल्ड ड्रिंक पी, और इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा।
कुछ काफी चीजें खुली नहीं थी जहाँ जहाँ हमें जाना था, बट जितना खुला था हमने उसे काफी इंजॉय किया। जितनी चीजें ओपन थी हमने उसी में अपने आप को बहुत इंजॉय किया सब लोगों ने। और बाकी अभी दिल्ली के लिए फ्लाइट है, एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, भी निकले हैं और फिर मिलते हैं आगे क्या क्या होता है आज एयरपोर्ट और दिल्ली। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं अभी हम एयरपोर्ट और यहाँ पे बोर्डिंग का हमारा पहले ही हो गया था सारा सिस्टम। और अभी हम जा रहे हैं ज़रा लगेज को भेजने, उसके बाद देखते हैं कुछ खाने का मन करता है तो। जी, तो अपना बोर्डिंग पास आ चुका है और एक गिर भी चुका है, सॉरी उसके लिए खेद है, क्योंकि अब हम फ्री हो चुके हैं, सिक्योरिटी करवाने जा रहे हैं, सिक्योरिटी चेक, उसके बाद कुछ खाएंगे। बहुत भूख लग रही है, हालांकि सुबह होटल में मैगी खाई थी बट उससे कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा, मुझे कुछ हुआ है तो देखते हैं। जी, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं क्या, अब प्लेन में बैठने जा रहे हैं। अभी हमने चिकन बिरयानी खाई बट वो इतनी फास्ट खाई कि वो वाला सेशन कुछ दिख ही नहीं पाया। और राणा जी खुश हैं फुल। राणा भाई एयरपोर्ट में बताते हुए कि वो गाजियाबाद से, इन्होंने देखो कॉम्प्लीमेंट्री अपनी बेटी के लिए फेस शील्ड तक ले ली, जो आई भी नहीं है। तो अब चलते हैं प्लेन की तरफ और पहुंचते हैं दिल्ली। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं प्लेन में। द्वारा निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सबके सुने भी होंगे तो याद भी होगी सब लोगों को, अनिवार्य है। और अभी हम निकलने वाले हैं, 2:10 हो रहे हैं, 2:30 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे दिल्ली, फिर दिल्ली में शायद कल रुके शायद, फिर उसके बाद देहरादून, दिल्ली पहुँचते हैं फिर। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं दिल्ली। पुराना जी कैसे रही आपकी यात्रा? बहुत सुंदर और सुखद यात्रा रही और बहुत इंजॉय किया। और हमारे साथ में हमारे और अभी इनसे एक प्रॉमिस हम ले रहे हैं, हमें दुबई भी ले जा रहे हैं, वो हमें पता नहीं है बट इसीलिए हम इसमें बुलवा रहे ताकि इन्हें याद रहे, हम इन्हें ये वाली वीडियो दिखा सके। और मनीष भाई कौन सी कंपनी में काम करते हैं? टेंजेट लिमिटेड कंपनी है और ये भी हमारे साथ दुबई जाने वाले हैं। और राणा जी पूरा खर्चा उठाएंगे दुबई का, रोहित का, रंजीना का और मेरा, ये फुल फाइनेंस राणा जी करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर और आज हम अपने मामा लोगों के घर आए तो वहीं रुकेंगे आज। और आप ऐसे ही रोहित बाजी के साथ बने रहना, रोहित बाजी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट ट्रिप तो कुछ है नहीं, तो देहरादून जब जाएंगे तो देहरादून में नई चीज जो कुछ करेंगे तो दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और श्रीमती जी गाना फिर से बता रहा हूँ आ चुका है, जरूर देखना मसकबीन यूट्यूब चैनल पर। और जो बेस्ट 3 रील्स होंगी उन्हें रिंग लाइट गिव अवे में दी जाएगी, तो जल्दी जल्दी जिसने रील्स नहीं बनाए वो जल्दी जल्दी बनाइए और रिंग लाइट गिफ्ट मिल जाएगी आपको। चलिए बाय बाय, टेक केयर।